क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y एंड लाइन एक्स इज इक्वल्स टू 4y माइनस 2। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y तो एक पैराबोला बनेगा, इसकी कॉन्केविटी अपवर्ड्स होगी पॉजिटिव y एक्सिस के लिए, और ये ओरिजिन से पास कर रहा है। अब लाइन है x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1/2। तो जो पॉइंट निकल कर आएंगे वो माइनस 2 कॉमा 0, माइनस 2 कॉमा 0 और 0 कॉमा 1/2, 0 कॉमा 1/2 यहां होगा। तो लाइन हमारी कुछ ऐसे जा रही है। इन दोनों कर्व से जो बाउंडेड एरिया है वो ये है, ये एरिया बाउंडेड हो रहा है, देखिए ये वाला एरिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपर कर्व तो लाइन है, ये वाले पॉइंट पे एक्स की वैल्यू निकाल लो और इस वाले पॉइंट पर भी एक्स की वैल्यू हमको चाहिए। वो कैसे मिलेगी, जब हम इन दोनों कर्व को सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स के लिए, क्योंकि हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग एरिया निकाल रहे हैं। यहां पर 4y की वैल्यू x स्क्वायर है, यहां डायरेक्ट रख दो, x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2। यहां से क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x कॉमन x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आएगी फैक्टर्स होने के बाद x इज इक्वल्स टू माइनस 1 एंड x इज इक्वल्स टू 2। यहां पर माइनस 1 होगा क्योंकि x एक्सिस से लेफ्ट हैंड साइड पर है, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड पर है, माइनस 1 कॉमा 0, और यहां पर पॉइंट होगा 2 कॉमा 0। हम क्या करेंगे, पहले इस लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, फिर इस नीचे वाले कर्व पे जो एरिया बाउंडेड होगा उसको माइनस कर देंगे, तो एरिया बाउंडेड आ जाएगा लाइन और कर्व से। एरिया कितना होगा, माइनस 1 से 2, हम लाइन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, लाइन मींस वैल्यू ऑफ y कितना होगा, x प्लस 2 बाय 4 dx, और माइनस करेंगे माइनस 1 से 2 वैल्यू ऑफ y कर्व में x स्क्वायर बाय 4 dx। इसको हमको सॉल्व करना होगा, कैसे सॉल्व होगा, यहां पर आएगा 4 बाहर 1/4, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो x स्क्वायर बाय 2 2x अपर लिमिट 2 माइनस 1 और माइनस 1/4 x क्यूब अपॉन 3 और लिमिट है कितनी 2 और माइनस 1। ठीक है, अब पहले यहां पर अपर लिमिट रख लो 1/4 और यहां पर आएगा 4/2 2 प्लस यहां पर रखेंगे तो 4 हो जाएगा और माइनस, अब ये माइनस 1 रखेंगे तो 1/2 और ये रखेंगे तो माइनस 2। पहले इसी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है, ये देखिए ये आएगा 6 और प्लस 2 8 माइनस 1/2 यार है 1/4 8 माइनस 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 16 माइनस 1 15/8। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ रही है 15/8 और यहां पर कितना आएगा माइनस 12 आ जाएगा और इसका करेंगे क्यूब 8 हो जाएगा, माइनस करेंगे ऑलरेडी माइनस है तो प्लस 1 हो जाएगा 9/12। इसका आंसर कितना आ जाएगा 24 45 माइनस 18 7 और यहां पर कितना हो गया 2 27/2
24, 3 9 और 3 8